हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे शिबा कॉइन से जुड़ी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की और उसी के साथ क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। तो आते हैं सबसे पहले शिबा इनू कॉइन पर, जहां पर अगर हम शिबा के प्राइस की बात करें, लास्ट 7 डेज में एक अच्छा खासा यहां पर मोमेंट शिबा के प्राइस में देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें 22% की जो ग्रोथ है शिबा के प्राइस में लास्ट कुछ दिनों में देखने को मिली है, जिस वजह से अगर हम यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ओवर 29 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन है जिसको यहां पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। मतलब जो जिन्होंने यहां पर डीप में से बाय किया उनको यहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से अगर हम देखें जो प्राइस यहां पर ग्रो किया हुआ है, इस वजह से यहां पर जो मार्केट कैप है वो फिर से ग्रो हो चुका है और 14th नंबर पर ये फिर से आ चुका है मार्केट कैप के बेसिस पर। अगर हम यहां पर लास्ट 7 डेज की बात करें, लगभग 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। ओवर लास्ट 24 आवर्स में भी अगर हम देखें, ऑलमोस्ट यहां पर जो 11% है उसका हाइक यहां पर देखने को मिला और मार्केट कैप फिर से ऑलमोस्ट यहां पर $5 बिलियन के तकरीबन पहुंच चुका है। मतलब $4.72 बिलियन का जो मार्केट कैप है वो यहां पर हुआ है। जिन लोगों ने यहां पर इसे बाय किया है 0.00007 से लगाकर 9 के बीच में, उन इन्वेस्टर्स को यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो ग्लोबली डेटा है इनके द्वारा शेयर किया गया है, लगभग 1,65,530 एड्रेसेस ऐसे हैं जो यहां पर अभी प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं, जिनको यहां पर गेन हुआ है लास्ट 7 डेज में, जिन्होंने यहां पर इसे 7 से लगाकर 9 के बीच में बाय किया हुआ है। उसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर एक ऐसे कॉइन की जिसमें आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसकी पार्टनरशिप लगातार हो रही है और ये कॉइन यहाँ पर लगातार टॉप पर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें सोशल मीडिया की डोमिनेंस के बेसिस पर, हम यहाँ पर जिस कॉइन की बात कर रहे हैं वो है रियल फ्लो की इनू, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार कोलेबोरेशन भी देखने को मिल रहे हैं, पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। गार्डा वॉलेट के द्वारा यहाँ पर इसे अवेलेबल कर दिया गया। अगर हम इस वॉलेट की बात करें, इस वॉलेट का आप यहाँ पर ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, लगभग 36,000 फॉलोअर्स आपको यहाँ पर इनके ट्विटर हैंडल पर देखने को मिलेंगे। इसने भी यहाँ पर रियल फ्लो की इनू कॉइन को अवेलेबल कर दिया है। रिसेंटली अगर हम देखें बाइनेंस पे ने भी अवेलेबल किया। उसके साथ ही अगर आपको यहाँ पर आइटम्स को परचेस करना है तो shopping.io के थ्रू आप यहाँ पर आइटम्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर फ्लोकी इनू कॉइन का यूज भी होने वाला है। और फ्लोकी ने अपना जो रोड मैप है वो भी यहाँ पर अपडेट कर दिया है, रोड मैप यहाँ पर शेयर कर दिया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ अदर मीम कॉइन्स की, तो डॉट शिब और पेपे के बाद यहाँ पर एक और कॉइन है जिसको आपको यहाँ पर थोड़ा अपने ध्यान में रखना चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, जो आने वाले टाइम में यहाँ पर डोमिनेंस में देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर जिस कॉइन की बात कर रहे हैं वो है फ्लोकी इनू, जिनका रोड मैप भी यहाँ पर कुछ दिनों पहले शेयर किया गया है। टॉप बीएनबी चेन प्रोजेक्ट की बात करें हाईएस्ट सोशल एंगेजमेंट के बेसिस पर, तो उसमें भी फ्लोकी यहां पर टॉप पर देखने को मिल रहा है 681 मिलियन के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं जो रेट है वो देखने को मिल रहा है एंगेजमेंट के बेसिस पर। इसमें यहां पर बेबी डॉज कॉइन भी है, इसके अलावा जो अदर कॉइन्स है वो भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पर इथेरियम की, तो इथेरियम को लेकर जो ट्रेडर्स है उनका ये मानना है कि इथर का जो प्राइस है वो $3,000 को हिट कर सकता है, जो यहां पर पॉसिबिलिटी है ऑन चेन डाटा उसके मुताबिक इनके द्वारा यहां पर जा रहा है। जो टेक्निकल चार्ट्स है उसके मुताबिक यहां पर जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका मानना है कि आने वाले टाइम में यहां पर $3,000 का जो एरिया है वो इथर हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही अगर हम यहां पर बात करें पेपे कॉइन की, तो ये कॉइन आप देख सकते हैं टॉप 100 कॉइन्स की लिस्ट में आ चुका है फिर से मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। एक टाइम इस कॉइन ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकालकर दिया था काफी सारे इन्वेस्टर्स को, और फिर से यहां पर इसके प्राइस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें 80% के आसपास जो पंप है इस कॉइन में देखने को मिला है, और इस वजह से काफी लोगों का यह मानना है कि जो डॉज कॉइन का डोमिनेंस है उसको यहां पर यह टक्कर दे सकता है आने वाले टाइम में, इसे यहां पर चैलेंज कर सकता है। अगर हम बात करें यहां पर बीटीसी की, बीटीसी ने यहां पर नया ऑल टाइम हाई हिट किया हुआ है। अगर हम 2023 की बात करें, ऑलमोस्ट यहां पर हाफ ऑफ ईयर हो चुका है, लेकिन बीटीसी यहां पर $30,000 के लेवल पर आ चुका है, जो अगर हम देखें यहां पर ऑलमोस्ट 1 ईयर का जो हाईएस्ट लेवल है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। और 2023 का ये हाईएस्ट लेवल है, और अक्टूबर का मंथ यहां पर फेवरेट माना जा रहा है, जो हमेशा यहां पर फेवर करता है क्रिप्टो करेंसी को। यहां पर बड़ी रिलीज देखने को मिलती है, और जो पॉपुलर ट्रेडर्स हैं उनका ये मानना है कि अक्टूबर के मंथ में हमें यहां पर जो नया ऑल टाइम हाई है बीटीसी का वो देखने को मिल सकता है। मतलब यहां पर कहने के जो 1 ईयर का हाई है वो फिर से यहां पर ये क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, सारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। थैंक यू।